कोई कमी नहीं छोड़ी तुमने। तो ऐसे हमारे हिंदू हृदय सम्राट जो थे परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, उनकी पुत्र वधु श्रीमती सुनीता ठाकरे जी, जिस कार्य को उन्होंने प्रारंभ किया था उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम ही कुल और वंश का कहना होता है। एक बात सदा समझ लीजिएगा, मैं आप सबसे छोटी सी बात पूछता हूँ, आप सब बड़े प्यार से बोलिएगा, लड़का किसके किसके हैं? लड़का, बेटा और पुत्र किनके हैं? अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि पूछ क्या रहा हूं। लड़का जो लड़के प्रॉपर्टी ले लेता है, बेटा जो बांट लेता है बराबर करके, पुत्र जो पितरों को तार देता है। तो पुत्र हो ना हो, ऐसे कुल चलाने वाले पुत्र जरूर बनाइए ताकि कुल का आगे विस्तार होता रहे, आगे कुल चलता रहे, ऐसा कुल वंश बनाइए, यही सनातन हमारा। दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि आज हमारा अवसर यहाँ पे, हम परिवार बने हैं इस घर के, तो मेरा एक ही मार्गदर्शन कहना है कि सनातन को जागृत करने का कार्य जिन्होंने किया था, सत्य को जागृत करने का कार्य जिन्होंने किया था, उस सत्य की ज्योति को आप आगे बढ़ाते रहें, ऐसे ही सबका साथ मिलता रहेगा। और एक और बात बोलता हूँ, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। तो सत्य के रास्ते में थोड़ा कम लोग जुड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे जुड़ते हैं, और जिस दिन जुड़ जाते हैं उस दिन फिर छोड़ते नहीं हैं, वही फिर आगे चल के राम मंदिर बनाते हैं, उसे प्रधानमंत्री कहते हैं, वही फिर प्रधानमंत्री बनते हैं। शुरुआत कहीं से होती है। आप सब भी याद रखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बटेश्वर में रहते थे तो उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मिले थे, और तब उन्होंने ही सोचा था कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी बनेगी कि पूरे देश में जाके और राम मंदिर बनाएगी, ऐसे उन्होंने संकल्प करके यात्रा शुरू की थी। तो मेरा आशीर्वाद, मेरी प्रेरणा और मेरा साथ, तीनों चीजें यहाँ पे हैं। मैं जरूर कहूंगा कि एक दिन आप भी सनातन का ध्वजा जैसे चला रहे हैं 25 साल से, अब जरूरत है कि आज की डेट में हमारी मातृशक्ति कहीं से पीछे नहीं है। हमारा एक बहुत सुंदर सा डिबेट आप सबके बीच में पहुंचा था कि हम माँ के बेटे हैं, बहुत देखा भी गया था, लेकिन उससे मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है, वो बात सीधा सुनिएगा। मेरा आप सबसे कहना, हम सब माँ के बेटे हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, पितृ देवो भव। इसलिए माताएं हमारी, हम उसी सनातन की बात कर रहे हैं जहाँ माताएं हमारी गार्गी अनुसुईया काली दुर्गा स्त्रियां ही सब चलाती थी, ऐसा नहीं था कि पीछे थी, वो शास्त्रार्थ भी करती थी लेकिन मर्यादा में रह के। तो हमारे यहाँ झांसी की रानी भी हुई, और अहिल्याबाई होलकर नहीं होती तो आप सब जानते हैं कि आपके जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उसमें शंकर जी नहीं होते, सड़कें नहीं होती, इतना सुंदर सा प्रेम भाव। तो एक स्त्री ने पूरे जगत को आपके 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने का स्थान बना दिया, तो माफ करिए, आपको भी मैं यही आशीर्वाद दूंगा कि आप भी एक बार सनातन को स्थापित करिए, और सत्य को लेके, नारी को लेके, और भारत को लेके चलिए। और बाला साहब जी का आशीर्वाद तो आपके साथ ही है, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हैं, फली हैं, रही हैं, और आपको उनका स्वभाव भी पता है, उनके कार्य करने की शैली भी पता है। तो हम चाहते हैं कि आप उस कार्य को आगे बढ़ाइए जो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं थी, उनको लेके चलिए, यही शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत सारी यादें हमने साथ में, साहब के साथ हमने गुजारी है, तो मैं छोटी सी दरख्वास्त करूंगी कि आप अपने दो शब्द कहें, और बहुत सारी मेमोरीज उनके साथ, साहब के साथ जुड़ी हुई थी, हमने भी काफ़ी वक्त उनके साथ गुजारा है, तो मैं छोटी सी दरख्वास्त करूंगी कि आपके दो शब्द हमें। नमस्कार। जिंदगी भर मैंने जितनी भी फिल्मों में काम किया है, मुझे हमेशा लिख के दिया है ये बोलने का, तो अपने आप बोलना आता है तो मैं कुछ लिख के लाया हूँ तो मैं वो बोलता हूँ। आज हम सब लोग यहाँ बाला साहब को याद कर रहे हैं, और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरा पूरा जीवन उस मिट्टी में गुजरा है जिस मिट्टी को बाला साहब ने हमेशा अपनी मुट्ठी में बांध के रखा, इसी मिट्टी के लिए वो जिए, इस
इसी मिट्टी के लिए उन्होंने सब कुछ किया, अपनी पूरी जिंदगी इस मिट्टी के नाम कर दी उन्होंने। ऐसा मानुष हजारों लाखों में कोई एक ही पैदा होता है। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे उनको शत शत नमन और स्मिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। धन्यवाद। जय माता दी। परिवार सोनू जी, थैंक यू, प्लीज मंच पे आइएगा। गोविंदा जी, बस दो शब्द आपसे सुनना चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम। आज ये हम लोगों का वर्षानुवर्ष सौभाग्य रहा कि मैं ऐसे दैविक और दिव्य व्यक्ति की सेवा के अवसर मिले और मैं आदरणीय स्मिता ठाकरे जी का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जो सेवा की आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, वो मुझे अवसर प्रदान जो किया वो आपकी वजह से हुआ। मैं सिर्फ शब्दों में आप इस रिश्ते के लिए या विषय में कभी नहीं कह पाएंगे। ये जो एक एहसास है, इस एहसास के लिए शब्द काफी नहीं हुआ करते। जो लोग दैविक दिव्य आत्मा है, जिस नाम की सीढ़ी से पीढ़ियां आगे निकलती है और जिसका ऐश्वर्य कभी खत्म नहीं होता, जो लोग साथ दे दे या आप पे आशीर्वाद कर दे, तो इस देश में, इस राज्य में कई ऐसे नेता हैं जो लोग आपकी वजह से सीएम हुए, राज्य कर पाए। और आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी मेरे साथ, मुझ पे ऊपर वाले ने बड़ी कृपा की भी थी कि ये फिल्मी हीरो वाले रिश्ते नहीं थे, हम लोग थोड़ा उससे बियॉन्ड थे। जिस वक्त मैं सेवा प्रदान कर रहा था, मैंने दो फिल्में की, पहली हसीना मान जाएगी जो सुपरहिट रही, और सेकंड जो फिल्म थी सैंडविच, उस फिल्म की तारीफ कई कलाकार जो है वो लोगों के अल्फाज नहीं आते हैं मुंह में, ऐसी तारीफ किया करते हैं कि मैं कैसे कहूँ। मैं ये कह रहा था कि ये सब तब हुआ करता है जिस वक्त माँ बाप तुल्य जो लोग हुआ करते हैं वो माँ बाप की तरह आपका ख्याल किया करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक जगह मिल गई है, एक कमाल की, एक ईश्वर ने स्थान दे दिया है तो आप जो कहते रहे हो, ऐसा कभी नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जो महाराष्ट्र की ताक है, उस ताक को पूरी दुनिया तक किसी ने अगर पहुंचाया है तो वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे हैं। यथा नाम तथा गुण जिसे कहते हैं, माँ बाप की सेवा किए हुए, बच्चों का ख्याल करते हुए, राज्य में राज्य ऐसे करते हुए जैसे कि किसी पद की कभी आवश्यकता नहीं रही। अविश्वसनीय रूप के साथ आपका जो वर्षानुवर्ष किरदार रहा है, मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो सदैव कृपा रही वो हम लोगों के घर परिवार पर रहे और आप लोग के साथ जो हम लोग के संबंध है वो वर्षानुवर्ष ऐसे ही रहे। और ऐसे कई सेवाएं लोग इससे समझे कि पद मिल जाए या जगह मिल जाए या दिव्यता मिल जाए, तो हर गरीबी के तबके से आए हुए जो कलाकार हैं वो लोगों का ख्याल कैसे किया जाता है, वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे थे। और
बहुत इज्जत दिया करते थे, कभी आपके साथ किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अब जो अगली पीढ़ी आगे निकलेगी वो कमाल करे, वो ये आशीर्वाद जो कई सीएम प्राप्त करने के बाद सीएम हुए, राज्यकर्ता हुए, मेरे तो कभी मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं पॉलिटिक्स में आगे निकलूंगा, पर मैं क्या हंस रहा था, मैं कह रहा था आपका टच लग गया तो शायद इसीलिए मैं भी पॉलिटिक्स में निकल गया और मैं जीत पाया। परंतु यही सच है, ऐसे ही आपके घर परिवार के बच्चे आगे निकलेंगे, और ख़ास तौर पर मैं ऐश्वर्या के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि आप ऐसी आप ईश्वर की प्रार्थना के ऐसे मैं करता हूँ कि आप आगे निकलेंगे और इस घर परिवार का ऐसे ही आपका ये जो कृपा है ये कभी खत्म नहीं होगी, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। मैं शाम प्रार्थना करता हूँ मंच में आदरणीय स्मिता ठाकरे जी के साथ साथ हम लोग के सीनियर हैं आदरणीय जितेंद्र जी, मैं शुरुआत में नाम नहीं लिया, क्षमा प्रार्थना है गुरु जी आपके लिए, धीरज जी आपके लिए, और जो जो माननीय गण हैं इधर उपस्थित हैं आप सबके लिए। मैं भावुक हो गया एक्चुअली, मेरे पास एक्चुअली अल्फाज नहीं है आपकी तारीफ में, फिर भी जितने थोड़े बहुत शब्दों में मैं कह पाया ऐसे अच्छे लोग, ये दिव्य लोग हैं, ऐसी दिव्यता। मैं एक कमाल किस्सा सुना चाहूँगा, सुनाऊँ? मैं पॉलिटिकली मुझे उस वक्त अभ्यास तो कुछ भी नहीं था, और एकदम अचानक से मुझे आदरणीय वाला अंकल का फोन आया और कहे गोविंद ये जो सितंबर महीना है नौवा महीना, इस नौवे महीने के 14-15 दिन में मैं चाहता हूँ कि तुम हम लोगों की मुलाकात कराओ। तो मैंने पूछा किसकी, तो मुझे सोचा कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे इतने बड़े इतनी ऐसा व्यक्तित्व तो है कि मुझे से क्या आवश्यकता ही नहीं हो सकती, परंतु कहे कि मैं तुम ही से चाह रहा हूँ। मैं घर में गया तो मुझे कहे कि मैंने पूछा किससे, तो कहे मैं अटल बिहारी वाजपेयी से तुम्हारे साथ में चाहता हूँ कि उनके साथ में मिलना चाहूँ। मैं कहा अच्छा मैं प्रयत्न करता हूँ। मैं आदरणीय अटल जी से मिला तो मुझे उनकी स्टाइल में कहे गोविंद वो बहुत बड़ बोले हैं, कहीं हमसे ऐसा वैसा कहते कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने कहा कि वो मुझे वचन दिए हैं, मैं वो आपके लिए एक शब्द नहीं कहेंगे, मैं आप प्रॉमिस करता हूँ। उसके पश्चात उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात में 10 वर्ष आप लोग साथ में राज्य में राष्ट्र में राज्य करते थे, परंतु मैं छोटा मोटा राज्य में फ्रंटलाइन में देख पाया, आपकी कृपा थी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कृपा ये प्रेम और छोटे बच्चे लोगों के लिए कि प्रेरणा मिले, ऐसे तो उनके पास बहुत सारे बड़े व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से वो मिल सकते थे, परंतु क्या बात थी मुझे नहीं पता कि उस समय क्या विषय था, परंतु ये मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। मैं आज धन्यवाद देता हूँ उस दिव्य आत्मा का, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे लोग वैसे ही आगे निकलेंगे और वैसे ही आप लोग के बच्चों का ख्याल किया करेंगे, हम लोग के बच्चों का ख्याल किया करेंगे। चलो स्पर्श प्रणाम करता हूँ उस दिव्य आत्मा के लिए और प्रार्थना करता हूँ। करने से पहले बता दिया अगर क्या पहन के आने वाले। जय महाराष्ट्र। मैं इस मंच पर मेरे आदरणीय गुरु जी हैं, स्मिता जी हैं, हमारे क्या अनंत बार अनंत बातें कहेंगे तो भी समय कम पड़ जाएगा और वाणी भी कम हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे जितने महानुभाव यहाँ हैं उन सभी का बड़ा अच्छा ही प्रेम बाला साहब के साथ रहा। मैं समझता हूँ मैं भी थोड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ ही बाला साहब का प्रेम काफ़ी अच्छा रहा। मेरी शादी में भी उनका योगदान है, और उसके बाद मैं जब भी उनके पास जाता था कोई ना कोई बात लेके जाता था, तो आज तक मैं समझता हूँ कि किसी भी बात के लिए उन्होंने मुझे ना नहीं बोला। इससे सर ये पता लगता है कि वो हर आने वाले व्यक्ति के लिए उनके दिल में स्थान था, प्यार था,
और बड़ी अच्छी तरह भाप लेते थे कि कौन किस विचारों से क्या आ रहा है, और जब ये भाप लेते थे और ये भी जान लेते कि आदमी कितना सच्चा है, अगर आदमी सच्चा है तो उसका काम मुंह करते थे। तो शादी से लेकर कितने ही फंक्शन हमारे हुए, उन सब में मेरे साथ उनका आशीर्वाद रहा। आज उनकी 98 नहीं, आज उनके बेटे यहाँ हैं, पिताजी यहाँ पर हैं। तो मैं दिल से कहना चाहूँगा कि शायद प्रभु ने स्मिता जी के साथ हाल फिलहाल में हमारा एक और योगदान कर दिया है। मैं इस मंच से और आपकी आज्ञा से बात कहना चाहूँगा, सभी की आज्ञा से, कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए 28 जनवरी संडे के दिन हम पिछले 2 साल से कुछ आयोजन कर रहे हैं, और प्रभु की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से वो आयोजन बहुत बड़ा हो गया है, जिसमें मोर देन 30,000 इंडस्ट्री वर्कर्स इससे फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप विच इज नोन एज महाआरोग्य शिविर यशराज स्टूडियो के साथ जो चित्रकूट ग्राउंड है वहाँ अरेंज कर रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस है, 2 लाख रुपए का फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, और इसके साथ साथ व्हील चेयर्स, बाइसाइकल्स। शायद प्रभु की ही कृपा है कि आज हमारे साथ स्मिता जी भी इस महायज्ञ में हमारे साथ जुड़ गई हैं। आज स्मिता जी का जो फाउंडेशन है, मुक्ति फाउंडेशन, हमारे साथ जुड़ गया है। तो मैं समझता हूँ कि 1 से 11 होते हैं और 11 से 111 होते हैं, तो जो ये प्रयत्न है ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के और वर्कर्स के लिए है जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनको ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं। मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ जो भी महानुभाव हैं, उनके अपने अगर सहयोगी साथी वर्कर्स हों, उनकी फैमिलीज हों, उनसे ज़रूर कहें। और स्मिता जी, साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर 365 के डॉक्टर धर्मेंद्र और मैं तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं, और यहाँ आज आपने बुलाया है और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं बाल साहब के 98th जन्मदिन पर आप लोगों के बीच में रहूं, तो मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। आप सभी बहुत नमस्ते, जय श्री राम। हम सौभाग्यशाली रहे कि मैं इतना लेट आया इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी मुझे उनके साथ में सब के जाने का मौका मिला। पहली बार सुरेश वाडे जी, वाडकर जी के थ्रू मैं उनसे अजीब आसन में मिला था, मुझे याद है, और बहुत ही कला प्रेमी, क्योंकि अंदर से वो कलाकारी थे। और उसके बाद में आपके साथ, स्मिता जी के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला, और वो फिल्म बहुत भयंकर कबा की हिट हुई थी, मुसीना मान जाएगी आगे भी बहुत। तो मैं मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने बड़े ऐसी हस्ती थी कि जो भारत जो आज तेवर देख रहा है, महाराष्ट्र के तेवर बहुत पहले दिख चुका है। उदय जी आपको नमस्ते, धीरज जी आपको नमस्ते, गुरु जी आपको नमस्ते, सुनिधि जी आपको नमस्ते, जीतू जी प्रणाम, चीची भाई नमस्ते जी। जरा जोरदार तालियां हो जाए आते हुए एक बहुत ही बड़ा काम फिल्म इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनके लिए होने जा रहा है, और उसके लिए ये जो अमाउंट दी जा रही है मुक्ति फाउंडेशन की ओर से, थैंक यू सो मच। मैं स्मिता जी से गुजारिश करूंगा कि मंच पर सभी महानुभावों का हम स्वागत करेंगे। गुरुजी एक मिनट रुकिए, उदय जी जरा एक मिनट रुकिए। जीतू जी सोनू जी प्लीज योर रिक्वेस्ट। मैं स्मिता जी से गुजारिश करूंगा, एक यूनिक मोमेंटो बनाया है बाला साहब ने, एक जबरदस्त कार्टून छवि थी, तो एक कार्टून जो कि कॉमन मैन की प्रतिकृति माना जाता है वो कॉमन मैन मोमेंटो के तौर पर दिया जा रहा है, और ये शॉल
हमारी ओर से प्यार मोहब्बत का एक प्रतीक के रूप में आपको दी जा रही है सभी मंच पर महानुभावों को, उसका स्वीकार करें। उदय जी, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसे स्वीकार करें। महाराष्ट्र राज्य से सम्माननीय उद्योग मंत्री श्री उदय सामंत जी यांच्या ठिकाणी स्मिताजींच्या शुभ हस्ते सत्कार केला जातोय। त्यांनी स्वीकार करावा। सन्माननीय जितेंद्र जी, मुक्ति फाउंडेशन की ओर से स्मिता जी के हाथों आपका हाथ सम्मान किया जा रहा है। गोविंदा जी, स्मिता जी की ओर से आपके लिए ये मुक्ति फाउंडेशन की ओर से प्यार। और सोनू जी, आप सभी से गुजारिश, तालियों के साथ हम इस घड़ी को और संवारने की कोशिश करेंगे। ड्रॉ किया हुआ पहला कॉमन मैन है, इसके हमने ट्रॉफी बनाई है जो कि आपके घरों में रहेगी, जो साहब ने, साहब का क्या बोलते हैं जी जी, थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परम आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे जी, आपकी सदैव हम लोग पे कृपा व आशीर्वाद रहा वर्षानुवर्ष, और आज मना ये अवसर मिला आपकी सेवा में उपस्थिति देने का। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय स्मिता ठाकरे जी का और आपके संपूर्ण परिवार का। आप लोग
हर फिल्म लाइन से जुड़े हुए कलाकार के लिए सहयोग प्रदान करते हैं, यथाशक्ति साथ और सहयोग दिया करते हैं वर्षानुवर्ष। और मैं प्रमाण हूँ, आज जो मैं हूँ और मुझ पर जो कृपा रही उसमें परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की बहुत मुझ पर आशीर्वाद रहा वर्षानुवर्ष के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ ये स्मिता ठाकरे जी का कि आज पुनः मैं यहाँ आ पाया। मैंने आपकी सेवा में फिल्में की जैसे कि हसीना मान जाएगी और बहुत कामयाब रही, और उसमें जिस तरह की वो ऐसी कृपा होने के बावजूद भी जो प्रकार का आपका सरल व्यवहार और वो जो सहयोग और उसमें एक वृत्ति थी दैविक हो वो थे, उसके बावजूद आप में वो बाल वृत्ति थी और उसमें जो एक सहज व्यवहार था वो वैसा दृश्य इस उसके बाद कभी नहीं देखा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार के बच्चे ऐसे आगे निकलेंगे और वो वही नज़ारा हम लोग देख पाए। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस। प्रणाम प्रणाम। सर लोग इधर गोविंदा से इधर गोविंदा जी सर सेंटर लो रोलिंग। मैं निकलते समय ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे शब्द निकल गए हो जो ऐसा लगे कि वो उस योग्य नहीं रहे, तो मैं दंडवत प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और मैं सदैव साथ हूँ और मैं फिर धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम।